मैं पूर्व प्रधान रियाजुलेशन ग्राम खनगावली, जो अब से 2010 में भी मैं ही चुना गया था और ग्रामवासियों ने अब कभी मुझे ही चुना है। जो मेरा कार्यकाल पीछे रहा वो साफ सुथरा रहा, जो भी गांव वालों ने मुझे काम बताया मैंने उनका वो करा, गांव वालों ने मुझे सहयोग दिया, गांव वालों का मैंने काम कराया। बस इसी तरह से जो है अब क्या जो जीतने की जो बात आई है वो भी ऐसी आई है, और जो गांव ने मुझे अब क्या जिम्मेदारी दी है इंशाल्लाह अल्लाह की दुआ से ऐसा है जो मैं उसमें खड़ा उतरूँ। इन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है, मेरा अल्लाह जो है इनकी सेवा कराने का मुझे मौका दे। कोई बिजली का काम हो या स्कूल का हो, खड़ंजे नाली का काम हो, उसे जो है मैं बाखूबी से इनका काम का अंजाम दूं, बस यही मेरा दायित्व है बनने का। अब क्या भी मुझे गांव ने इसीलिए चुना है कि जो पहले काम थे वो मैंने सही करे, साफ सुथरे काम रहे, और किसी का कोई ना कोई मुकदमा रहा है, ना किसी का चोरी चकोरी हुई है, ना किसी बिजली वाले ने कोई सताया है, किसी पे कोई बाहर का कोई बात नहीं हुई, इसी वजह से मुझे गांव ने दोबारा चुन लिया। पुलिस का भी केस कोई और पुलिस का कोई केस मेरे गांव में नहीं हुआ है। चाहता हूं कि अल्लाह अब के भी कोई बात ना हो, और जो चुटपुट घटना भी होती है मैं उसके हाथ जोड़ के जो मैं यहीं को शामिल कर लूँ, यहीं फैसला कर लूँ, और इससे बढ़िया बात ही नहीं होती। स्कूल की बात थी, जो भी स्कूल की बिल्डिंग टूट गई थी वो तमाम मैंने गिरवा कर दोबारा निर्माण करा कर नए स्कूल बना दिए। इस गांव में मुझसे पहले कोई बिजली भी नहीं थी, लाइन दोबारा खिंचवा दी, और ट्रांसफार्मर जो बड़ों की जरूरत थी वहाँ बड़े रख दिए, और टैल भी मुझसे पहले इस गांव में नहीं थी, टैल के खड़ंजे नहीं थे, कुछ सीसी से निपटाई मैंने, सीसी रोड बना ली और कुछ जो है टैल वाली। गांव को उनकी यही उम्मीद होगी मुझसे काम कराने की, शायद मैं दोबारा भी इसी वजह से चुना गया हूँ। और यूँ भी है कि जो भी काम मेरा दोबारा मेरा गाँव मुझे देगा अल्लाह चाहे तो मैं उनकी जो है उम्मीद पूरी करने की बात रखता हूँ। हमारी जीत होगी है, हम ये भी नहीं चाहते कि जिसने हमें वोट ना दी है कि हम उसका काम ना करावें। हम जीत गए, हमें पूरे गांव ने वोट दे दी, अल्लाह चाहे तो हम काम उनका पहले करावेंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं दी। उनका कोई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, और कोई विवाद वाली बात मेरे गांव में ना हो, कोशिश तो ये रखूँगा कि गाँव जो है निर्मल में आ जावे और गांव साफ सुथरा रहे। साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी भी नहीं होने की। सफाई कर्मी भी मुझे मिला है पर वो भी पूरे गांव को कवर नहीं पाता, कवर कर नहीं पाता। इस वजह से जो कोरोना वाली जो स्प्रे है वो भी मैंने दो बार करा दी है, घास वास की जो है वो भी एक बार करा दी है, नाले वालों को साफ रखता हूँ और गांव को सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि गाँव में कोई बीमारी वीमारी ना हो, इस तरह की बात सामने ना आवे। सभी गाँव वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो है जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं उसमें अपनी में खरा उतरूं और गांव वाले जो है कोई बुराई उराई की बात में ना आ जाए।